चाबी किसी और ताले की लगा रखी है, फिर उन्होंने देखा कि शायद इसकी चाबी होगी। चाबी है, उन्होंने ट्राई करके वो देखा हुआ है कि शायद इसे खुला, लेकिन उनसे नहीं खुला और उन्होंने इधर ही फेंक दिया चले गए सारा ऐसे ही आपको बता दें कि एक चोरी की वारदात फिर पेश आई है सांबा में। आपको बता दें कि सांबा के वार्ड नंबर 10-11 की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक चोरी की वारदात पेश आई है। यहां पर चोरों ने एक सुने घर को टारगेट किया है और आपको बता दें कि जिस तरह से चोरों ने इस घर को टारगेट किया है तो चोरों ने यहां पर जिस तरह से सेंध लगाई है, यहां घर के हर एक सामान को यहां पर खंगाला गया है और यहां से बताया जा रहा है कि चोरों ने 10,000 रुपये कैश चुराए और यहां से वो कैश चुरा कर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि जब घर वालों को पता चला कि उनके घर पे चोरी हुई है तो उसके बाद फौरन उन्होंने पुलिस को इतला करी और उसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले का संज्ञान लिया और क्या कुछ नुकसान जो है वो इस घर के सदस्यों क्या हुआ है चोरी की वारदात को लेकर बात करें तो वो तमाम नुकसान जो है वो पुलिस को नोट कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि घर के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, घर लॉक था और देर रात को यहां पर जो है वो चोरी की वारदात पेश आई है। और आपको बता दें कि तमाम जो अलग अलग कमरे हैं घर के वो खंगाले गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम सामान जो वो बिखरा पड़ा है, अलमारियां टूटी हुई हैं घर की और उन्होंने चोरों ने शायद ये भी कोशिश की है कि यहां से कुछ कीमती चीजें भी चुराई जाए, लेकिन गनीमत ये रही कि कीमती चीजें घर पर नहीं थी, जिसमें हम गोल्ड आइटम्स या सिल्वर आइटम्स को लेकर हम बात करते हैं, यानी गहनों को लेकर बात करते हैं, वो चीजें तो घर पर मौजूद नहीं थी। लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ कैश जो है वो घर के सदस्यों ने रखी हुई थी, जो बताया जा रहा है 10,000 रुपये कैश है, तो वो यहां से कैश जो वो चोरी हुआ है, चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है चोरों की धरपकड़ करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आपने पहले लगातार देखा है कि 3 से 4 महीनों में इस तरह की वारदातें जो वो काफी कम हुई है सांबा में चोरियों की, जिस तरह से पुलिस इस समय काम कर रही है, लगातार चोरों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन जिस तरह से यहां पर चोरी की वारदात पेश आई है, चोरों ने यहां पर इस घर पर सेंध लगाई है, वार्ड नंबर 10-11 की बात करें तो ये चोर भी जो है वो जल्द पुलिस की रडार पर होंगे और पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेरियो बदल चुका है। अगर इस तरह की कोई वारदात पेश आती भी है तो फौरन उसके ऊपर पुलिस जो है वो अमल करती है और चोरी की वारदात को जो है वो सुलझाते हुए, चोरी के मामले को सुलझाते हुए चोरों की धरपकड़ करती है। तो अब देखना यह कि कितनी जल्दी चोरों की धरपकड़ होती है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि गनीमत यह रही कि कोई कीमती सामान यहां पर मौजूद नहीं था, अगर होता तो काफी नुकसान जो है वो घर वालों को हो सकता था। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की धरपकड़ करने के लिए टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। बड़ी जानकारी चोरी के हवाले से सांबा से, फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जीके मीडिया। लॉक खुला हुआ है, मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ है, खुला लॉक सारे टूटे हुए हैं, ये वाले दोनों कमरे और मेन गेट, और जब उन्होंने अंदर आके देखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अलमारी भी टूटी हुई है। उन्होंने अंदर से देखा के उन्होंने देखा कि लॉकर भी टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है बेड पे, तो ये हमने देखा सुबह आके, हमारे तो होश ही उड़ गए। तो जब उन्होंने देखा कि घर पे कोई नहीं है तो देखते हैं कि कैमरा वगैरह है बाहर, तो वो नहीं चल रहा था, इस टाइम वो काम नहीं कर रहा है,
फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे घर पे ये हुआ है, आप घर पे आओ और देख लो आके। जब मैंने देखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बेड के बेड शीटें ऐसे दाएं बाएं बिखरी हुई हैं, वो अलमारा उधर दूसरे कमरे में बना हुआ है वो सारा उन्होंने खोल के देखा हुआ है। क्या नुकसान? नुकसान मैंने कैश रखा था इधर 10-12 हज़ार रुपये खुला पड़ा हुआ था, वो नहीं मिला है, बाकी गहने वगैरह तो नहीं थे इधर। हाँ जी, और कोई नुकसान? और कोई कुछ नहीं, बस ये अलमारी का। ये हम तो चाहते हैं कि जो जिन्होंने भी जो किया हुआ ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा किसी और के घर में काम कर ये करने से पहले 10 बार सोचे कि हमारा ये हाल हुआ था। मेरा घर है तो 12 नंबर 11 राजी सांबा में, ये चकमगर कवाल पड़ता है। तो आज सुबह सुबह जब अब बाहर निकले तो ये दुकान करते हैं नीचे, तो इन्होंने ये घर से आए जब देखा तो इनका ताला टूटा था। जब ऊपर आए तो हम सभी लोग इकट्ठे हो गए घर के, रात को चोरी हुई। तो पहले 2018-12 दिसंबर को हुई थी हमारे घर में, उसके बाद एक और घर है पुलिस वाली है, हम भी पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर मेरे हॉस्पिटल रिटायर आए हैं, तो उसके घर हुई। फिर 15 मार्च 2022 में हुई। अब चौथी चोरी है हमारे मोहल्ले में, चोरी बरामद हुई हमारा, जो हमारी चोरी हुई थी हमारे घर में हुई थी, वो तो पुलिस वालों को पता है कि पुलिस वाले ने वो लड़का पकड़ा भी, उनको अंदर भी किया, जेल में भेजा, उन्होंने सामान भी माना कि हमने सोना भी लिया लिया, कैश भी लिया है और सामान भी लिया है, और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। हमारी एफआईआर लगी है उधर, अभी लगी है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एसएसपी साहब बड़े अच्छे आए हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हमारी भी चोरी हुई है, बाकी मोहल्ले वाली जो हो रही है, जो बार बार चोरी होती है।